बाजपुर दोराहा मुरादाबाद रोड उत्तराखंड बॉर्डर पर स्थित पेट्रोल पंप पर लगभग रात्रि के 2:45 बजे नकाबपोश दो बदमाश गेहूं के खेत में से होकर आए। वे सो रहे पेट्रोल पंप कर्मी के ऊपर कंबल डालकर हाथों पर टेप लगाकर तमंचे के बल पर बंधक बनाकर 60,000 की लूट कर फरार हो गए। चौकी इंचार्ज प्रकाश बिष्ट को 2 बजे लूट की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद आसपास के क्षेत्रों में पुलिस ने बदमाशों के लिए खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। बॉर्डर पर स्थित करतार पेट्रोल पंप पर सुबह 7:30 बजे SP चंद्र मोहन सिंह, CO वंदना वर्मा, कोतवाल प्रवीण सिंह कोशियार, SSI विक्रम धानी, SI VG गोस्वामी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। बाजपुर से सलीम रजा की रिपोर्ट। मैं सो रहा था, मेरे पीछे ऊपर से आए, कंबल लिया, मेरे मुंह पे रख दिया और टेप लगा दिया मुंह पे और कैश चाबी मांगने लगे। तमंचा मेरे यहाँ पे रख दिया और पैसे कहाँ हैं, चाबी लेके कैश निकाल के 60,000 रुपये करीब था, सब लेके चले गए। अभी पता नहीं कहाँ से किधर से आए थे, तो मैं सिर्फ 10 मिनट करीब बॉर्डर पर एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप में जो काम करते हैं कर्मचारी, उनके द्वारा ये सूचना दी गई कि आधी रात को 2 अज्ञात युवकों द्वारा पेट्रोल पंप में घुसकर, उनके कैबिन में घुसकर, उनको बंधक बनाकर और तमंचा दिखाकर उनसे जो भी कैश वहाँ पर जमा था वो कैश लूट कर ले गई है। उनका चेहरा देखा नहीं जा सका है, चेहरे रखे हुए थे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके सूचना पर ASP काशीपुर सर, मैं और हमारे कोतवाल साहब, हमारे चौकी इंचार्ज, सभी लोग मौके पर पहुँचे, मौका मुआयना किया, आवश्यक पूछताछ की गई है। अभी पहरे रहने बाकी हैं। घटना के बाद सभी पहलुओं पर विस्तृत जाँच की जा रही है, टीम बनाई जा रही है और जो भी होगा इसमें जल्दी ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मैम, जिस तरह देखा जा रहा है कि लगातार लूट की घटनाएं बाजपुर में, देखिए घटना हुई है, पूर्व में भी जो घटना हुई है उस घटना का भी 1 हफ्ते के अंदर जल्दी सफल खुलासा किया गया है और इसी प्रकार इस घटना में भी जल्दी से जल्दी इसका खुलासा कर दिया जाएगा। बाकी हमारे द्वारा इसमें पेट्रोलिंग, गश्त आदि, पिकेट आदि की व्यवस्था को और दुरुस्त कर दिया जाएगा। मैम, किस तरह की CCTV फुटेज में जा रहा है, सब कुछ विवेचना के अंतर्गत कर रहे हैं।